हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू पालक बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू पालक बनाना। आलू पालक बनाने के लिए ये हमने पालक ली है, ये हमने 1 किलो पालक ली थी और इसको हमने धोकर बॉईल कर लिया है और इसको हमने फिर मिक्सी जार में पीस लिया है पालक को। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं, कुछ आलू को हमने साबुती इस प्रकार से रखा है और जो बड़ा साइज था उसके 2 टुकड़े आलू के कर लिए हैं और ये उबाल लिए हैं हमने आलू को। और ये 1 कटोरी हमने टमाटर पीस लिए हैं और ये मसाले लिए हैं, हल्दी 1/2 चम्मच, मसाला 1/2 चम्मच और लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग ली है हमने चुटकी भर और 1/2 चम्मच हमने जीरा लिया है, ये लहसुन लिए हैं 8 से 10 कली, इसको हमने चॉप कर लिया है, अदरक का 1 बड़ा टुकड़ा लिया है इसको भी चॉप कर लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है इसको भी हमने चॉप कर लिया है, ये हमने सूखी लाल मिर्च ली है 5 से 6 हमने सूखी लाल मिर्ची और ये 3 बड़े प्याज लिए हैं इनको भी हमने चॉप कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी और अब मैं गैस को ऑन कर दिया है मैंने। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने अब इसमें हींग डाल दी है, हींग हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, अब मैं इसमें ये सूखी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें लहसुन इसे भी भून लूंगी। लहसुन हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। इसे मैं अच्छे से भून लूंगी प्याज को। ये हमारे प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं ये अदरक और हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। और अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसमें ये आलू डाल दूंगी। साथ ही मैं ये पालक भी डाल दूंगी इसमें। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब मैं इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं। हमारे आलू और पालक बनकर तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारे आलू पालक की बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।